मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द नंबर वन व्लॉगिंग चैनल। भाई आज बहुत ही सुबह हो रही है, अभी 7 AM हो रहे हैं, हम लोगों को जल्दी उठाया बिकॉज टुडे इज द ऑक्शन डे। आज डिसाइड होगा कि जितने भी प्लेग्राउंड के कंटेस्टेंट है कौन सी टीम में जाएंगे। फिलहाल के लिए आई एम गेटिंग रेडी, मेरा पूरा यहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो पहले मेरे को ये जीन्स पहननी है और उस पर ये टी शर्ट पहननी है, दोनों ब्लैक है। यो, आई एम कम्प्लीटली रेडी, वेरी एक्साइटेड फॉर द ऑक्शन। थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी एयर में ऑफकोर्स आएगी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई डोंट नो ब्रो, I'm just gonna kill it. Today we are also leaving this hotel. हम लोग आज से playground house में जा रहे हैं। I'm very excited for the new place. ठीक है भाई, हम लोग सब किसी गाड़ी में बिठा दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं live, जहाँ पे भी ये live auction होगा वो location में। location कुछ भी नहीं बताया हमें भाई, हमें बस गाड़ी में बिठा दिया सबके सबको। आसू भाई तो लगता है गोवा में जा रहे हैं डायरेक्ट यहीं से। आज तो सीधा बीच में स्विमिंग ही कर देगा। All right, we have reached the destination. भाई vanity vanity खड़ी कर रखी है इधर, हमको तो धूप में ही खड़ा रखेंगे। जगह तो काफी स्वीटी स्वीटी है यार। भाई यहाँ पे भी फ्री का खाना है। ओ यार, फ्री का खाना देखते हैं, मेरे को मजा। एक मिनट, हम यहाँ घूम के क्यों आए पूरा? हम यहाँ से डायरेक्ट क्यों आए राणे? अब मैं गुस्सा हो रहा हूँ इनसे। हाँ अभी तू बोल रहा है इसलिए मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। भाई किसी ना किसी कोने वोने में तो ले जा रहे हमें, इतनी अच्छी प्रोडक्शन की आदत नहीं है भाई। भाई ये है हमारे ऑक्शन का लाइव सेट। भाई सेट तो बहुत ज्यादा प्रॉपर है यार। शायद वहाँ पे मेंटर्स बैठेंगे अपनी अपनी टीम के। तुमको बता देता हूँ, पावर फीनिक्स मॉडल की है। और ये कौन है, तू किस में आटे? ओपी स्काउट की है। ये ट्रिगर्ड इंसान की ट्रिपल ए बेयरबुल और वो कैरी मिनाटी की टीम है। यहाँ पे ऑक्शन होगा। भाई ये हमारा पूरा सेट है जहाँ पे हम लोगों को बिठा दिया है सबको पीछे। अब बस धीरे धीरे हमारे यहाँ पे वीडियोस प्ले होंगे, हमें जाना है इस टीम में, मेरे को जाना है भाई। हाँ भाई, ये यहाँ पे 20 के 20 लोग लाइव जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा। हमारा हो गया लाइव, हमारा हो गया काम, अब करो लाइव। भाई 10 मिनट बचे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है पूरी बिल्डिंग में। भाई गॉट डन विद द ऑक्शन एंड मैंने जैसा तुम लोगों को बोल दिया था, आई एम इन टीम ट्रिगर्ड इंसान। एंड जो स्पेशल बात है भाई, हम दोनों हाईएस्ट। ओ भाई कैमरा तो मत हिला। हम दोनों हाईएस्ट बिडर, 2 मिलियन पे दोनों बिके भाई। आसू और कैप्टन भाई तो बिक गए, बस जोर से बिके इस बार। तो अभी ऑक्शन के बाद हम लोग ट्रिगर्ड इंसान की वैनिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ तो व्लॉग करना है। और मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे को वैसे भी टाइटल में डालना है, तो मैं भी व्लॉग कर लूंगा भाई। फाइनली टीम ट्रिगर्ड इंसान, इतने टाइम से मैंने अपने दिमाग में बात डाली। कैसा लग रहा है आपको मेरे को अपनी टीम में लाके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये शो ज्वाइन इसलिए कर रहा था ताकि एक दिन मैं वंशज को अपनी टीम में ले सकूं। स्मॉल ड्रीम साहब, आप हमारी टीम के कैप्टन बनोगे क्या? आपके सपने पूरे हो गए? मेरे सपने पूरे हो गए। अरे अच्छा, अभी तुम में से पता है किसी को भी कैप्टन भी बनाना है मुझे? हाँ बस अभी वो तुम लोग डिसाइड करने वाले हो, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, नहीं वो एक्चुअली शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुम्हें करना, नॉट मी। आप बता देना, कैप्टन तो होते रहेंगे डिसाइड। अभी आप घर पे आ रहे हो हमारे साथ प्लेग्राउंड हाउस में? हां बिल्कुल आएंगे वहां पे। चलो चलो ट्रिगर भाई, मस्त मजी आई आपसे मिलकर। मैंने एक चीज देखी, सारे मुझसे कितने छोटे छोटे से हैं भाई। लंबा क्यों है इतना यार, दिक्कत होती है, देखा नहीं जाता इसको भाई। क्या क्रेजी डे था आज, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ ना भाई, इतनी अच्छी टीम मिल चुकी है। मॉर्टल का बर्थडे विश कर रहे हैं सब लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो भाई टीम ट्रिगर्ड इंसान इज ऑन इट्स वे टू द प्लेग्राउंड हाउस। बहुत ज्यादा एकदम हाइप्ड है हम लोग, फर्स्ट टाइम घर देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेग्राउंड हाउस पे। भाई कितना सुंदर घर है ये। अभी हम सबको यहाँ पे बिठा दिया सारे कंटेस्टेंट्स को, कुछ तो ब्रीफिंग होगी हाउस रिलेटेड। हमारे हम सबके सामान उमान तो आ चुके हैं भाई। गाइस आई एम गेटिंग माइक्ड अप फॉर द शो। भाई मेरे ऑडिशन में तो ऑलरेडी मेरे को भौक ने बोल दिया था, अब पट्टा भी पहना दिया है। ओके भाई, कुछ ना कुछ तो लगाया है। या भाई किसी की वैनिटी में हम लोगों को थोड़ा मुंह धोने के लिए बुला दिया। मतलब हमारी वैनिटी आवर से आवर हार्ड वर्क नहीं लिया। मैं इसको लेता अपना मुंह छुपा दिए पता है, क्योंकि मैं तेरा मुंह ब्लर कर दूंगा भाई। जैसी वैनिटी पे एंट्री का सारे फीचर टेस्ट करने के लिए सारे बटन दबा दिए, ऊपर से आरजीबी चल रही है। अरे भाई इतना फास्ट क्यों है ये, इतना फास्ट क्यों हो रहा है ये? अरे चलो चलो बस। भाई अभी वी आर शूटिंग फॉर द इंट्रो। भाई हम लोग प्लेग्राउंड हाउस में घुस चुके हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, हमारा ब्रीफिंग हुआ, तुम लोगों ने देखा होगा ना हमारा एंट्रेंस। तो अभी भाई यहाँ पे जैमिंग शुरू हो चुकी है, सब यहाँ पे जैमिंग कर रहे हैं पता नहीं क्यों। बात सो रहा था भाई, अपने जोन में आ चुके हैं। हालांकि
मेरा हो गया डांसिंग, डांसिंग नहीं की मैंने कभी। भाई ये हमारा हाउस ट्रिपल ए वेयरवुल्फ का हाउस है, हमको लेवल 2 हाउस मिला है जिसमें 4 बेड्स हैं। भाई रूम कितना सुंदर घर है भाई, जनरल कैसा लग रहा है एक अच्छे रूम में आके रहने भाई। किधर है मेरा ग्रीन जर्सी, किधर है टीम चेंज। तो हम लोगों को फर्स्ट वीक के कैप्टन डिसाइड करना था, हम सब ने मिलके आपसी सहमति से साक्षी को चूज किया फर्स्ट वीक के लिए। साक्षी आई होप यू मेक अस प्राउड। चलो अभी घर एक्सप्लोरिंग करते हैं, दिखाओ दो भाई। अरे वाह बात तो है भाई। तो इन्होंने फर्स्ट वीक का मतलब हाउसेस के ना लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4। लेवल 1 मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस टीम को मिलता है, तो एवरी वीकेंड पे सबके परफॉर्मेंस जज होगी। तो इन्होंने फर्स्ट वीक की परफॉर्मेंस कैसे जज किया मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस मेंटर ने ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे उसको लेवल 1 मिला, तो स्काउट ने अपने सारे पैसे ऑल इन कर दिए थे तो उनकी टीम को लेवल 1 हाउस मिला। फिर ट्रिगर्ड इंसान ने किया था 2 मिलियन मेरे को कर दिया था उसमें से बाय द वे, तो हम लोगों को लेवल 2 मिला, फिर लेवल 3 और लेवल 4। भाई कितना सुंदर रूम है इनको, इनको ना ऐसे 2 सेपरेट रूम है, 2-2 वाले, पर मेरे को नहीं अच्छा लगा, सब लोगों का साथ में होना चाहिए। भाई इनको मसाजर भी दे दिया, भाई इनका मसाजर तो ढापना पड़ेगा यार। तो हम लोग एक गेमिंग शो में है तो हम इसका गेमिंग रूम तो देखा ही नहीं। ओ भाई क्या क्या सुंदर रूम है भाई ये, भाई बहुत ही सुंदर सा गेमिंग हब है। इधर भाई सबकी लड़ाई हो रही, सब एक दूसरे को गालियां दे रहे, मजा आ जाएगा भाई। भाई कितना ज्यादा सुंदर घर है पता, इसके बाद 1 महीने के बाद मेरे को मेरे घर जाने का मन नहीं करेगा। ये देखो ये 2 साल की बच्ची को PS5 भाई, ये देखो सारे बच्चे आ गए कंप्यूटर देखने, कंप्यूटर क्लास में आ गए आप भी। कंप्यूटर क्लास खत्म हो गई भाई, अपने सुंदर से रूम में तो जाए भाई यार। एक तो हमारा कमरा ना एकदम टॉप फ्लोर में, तेरे को चलने में आधा आलस आ जाता है भाई, क्या क्रेजी रहा यार आज का दिन, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ भाई, क्या क्या हो गया आज भाई। निश्चय ने बहुत ट्रस्ट डाल के मेरे पे इतनी बड़ी बिडिंग की थी, तो मेरे अंदर से ऐसा है कि भाई मेरे को ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क हार्ड। मैंने तुम लोग को बता दिया होगा लेकिन ये हमारा रूम है, रूम लेवल 2 भाई। 4 बेड है, चारों लेट गए, ये पता नहीं क्यों इतना इतना जोश है इस औरत पे, तब से चिल्लाई जा रही है कुछ ना कुछ भाई। होटल में एक मतलब यहाँ प्ले ग्राउंड हाउस में फ्री का टॉवल दिया था मैंने, मैं उससे नहाया, मेरे को 3 बार नहाना पड़ गया, उसका पूरा काला काला चिपक गया मेरे शरीर पे। पहली बार तो मेरी बुंड पड़ गई, मेरे को लगा मेरे बाल से क्या निकल रहा है भाई, इतना कब से नहीं नहाया हूँ मैं। 2 ही हफ्ते हुए थे वैसे तो, बट फिर भी इतने में थोड़ी हो जाता है भाई, कम से कम 5 हफ्ते तो लगते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। प्ले ग्राउंड हाउस में उन्होंने सोचा था क्रिएटर्स को बुलाएंगे तो कुछ उनको क्रिएटिव दिखेगा, ये क्या हो रहा है भाई, लोग चप्पल फेंक रहे हैं, इसने थैली टांग ली, ये नहा नहीं रहा भाई। अच्छा मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है, उदित मेरे को गेस करने दे, तू नहाने जा रहा है। अरे भाई चल बढ़िया है भाई, देखो मैं व्लॉग चालू करता खुद भी चालू कर देती है, मोटिवेशन आ जाती है तुझे। प्ले ग्राउंड हाउस तुझे कैसे लगा साक्षी, ऐसे लाइटिंग दे दूं ना तो अच्छी लगूंगी। मुझे बहुत मजा आई और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वंशज को सपोर्ट करिए और उसका चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना मैं कूट दूंगी। कैसे कूटेगी, ऐसे कूट दे घुसेड़ मार के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, तुम लोगों को पसंद आया मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और ट्रिपल ए वेयरवुल्फ्स को सपोर्ट करो। हम चारों ही पूरा अपनी जी जान लगाने वाले हैं क्योंकि इतना क्रेजी ऑप्शन था, जान लगा देंगे और ऐसे जान को से बाहर निकाल के फेंक देंगे भाई, क्योंकि पब्लिकली निश्चय ने हम सबको अगर इतने अच्छे से सपोर्ट किया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग भी कुछ करें, ठीक है। जाते हैं क्लबों में, जाते जिन क्लबों में मेरे ही गाने बजाते हैं बंदी संभाले।